नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज 9x.com। द न्यूज 9x.com में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जहां चमकी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं पूरे बिहार में सियासी वार एवं पलटवार हो रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन भी विधान परिषद एवं विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधान परिषद के नेता विपक्षी रावड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दायर करने के बाद नीतीश सरकार पर जबरदस्त हल्ला बोला। साथ ही कहा कि हलफनामा दायर करने के बाद अब सब कुछ उजागर हो चुका है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने चमकी बुखार से पीड़ित लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही दूसरी तरफ एनडीए खेमे ने आम बांटी रही। इस पर राबड़ी देवी ने एनडीए के खेमे के नेताओं पर हल्ला बोलते हुए कहा कि आम खाने वाले सभी नेताओं को हाय लगेगी। आप लोगों को बता दें कि विधानसभा और विधान परिषद के तमाम सदस्यों के लिए आज आम मंगवाया गया। आम के साथ साथ आम के पौधे भी दिए गए। इस बीच विपक्षी पूरी तरह अपने पक्ष, चमकी बुखार और खराब हो रही कानून व्यवस्था पर अडिग थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी मसलों पर सदन में जवाब दे दिया है, लेकिन विपक्षी के सुर काफ़ी तल्ख नजर आ रहे हैं। इसमें यह साफ होता है कि विपक्षी सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। बहरहाल जो भी हो, बिहार के राजनीतिक खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल द न्यूज 9x सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज फॉलो करें। शुक्रिया।